नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं गार्गी विद्यांत और आज आपको सुना रही हूं लेखक प्रत्युष अग्निहोत्री की लिखी कहानी रुक जाना नहीं। अगला स्टेशन हौस खास है, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। अनाउंसमेंट होते ही बैग लेकर गेट के पास आ गया। दरवाजा खुलते ही एक नजर चढ़ने का इंतजार करती भीड़ पर डाली और सबसे पहले उतरने पर इतराता हुआ मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गया। बाहर निकलने से पहले ये देखना नहीं भूला कि मेट्रो कार्ड में कितने रुपए बचे हैं। अभी बाहर आते हुए भी हिसाब लगाया था कि बचे हुए रुपए कितने दिन चलेंगे। सब कुछ रोज की ही तरह। बाहर निकलकर हरी वाली 764 नंबर की बस का इंतजार करने लगा। हरी वाली इसलिए क्योंकि लाल वाली बस में पैसा ज्यादा लगता है और एसी की न तो जरूरत थी न ही आदत। खुशकिस्मती से बस में खिड़की वाली सीट मिल गई थी। ईयरफोन निकालकर कान में लगाए और खिड़की के सहारे सर टिकाकर बाहर देखने लगा। शाम का धुंधलका धीरे धीरे गहराता जा रहा था। हवा चेहरे से टकराती तो आंखें बंद करके हल्के से मुस्कुरा देता। फिर कुछ याद आया, पर्स खोलकर एक फोटो देखा, फिर मुस्कुराहट और बढ़ गई। हालांकि ईयरफोन एक तरफ से ही काम कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस कमी का एहसास होना भी बंद हो गया था। शायद आदत हो गई थी। अचानक ब्रेक लगे और सामने आईआईटी दिल्ली की चमकती हुई रोशनी से आंखों में चमक आ गई। बचपन में सुनता था इसके बारे में तो सोचता था कि बड़ा होकर आईआईटी में पढ़ूंगा। बड़े होकर समझ आया कि कई सपने सच नहीं होते। धीरे धीरे आंखों की चमक फीकी पड़ती गई। बस अगले फ्लाईओवर पर चढ़ रही थी और दिमाग फिर से सपने देखने लगा। किसी दिन जिंदगी भी इसी पुल की ही तरह जमीन से उठाकर बादलों के नजदीक ले जाएगी। फिर वहां से बराबरी से देखूंगा उन इमारतों को जिन्हें देखने पर अभी गर्दन में दर्द हो जाता है। इसी लंबे पुल की तरह मेरी जिंदगी भी ऊंचाइयों पर चलेगी। पुल भले ही आखिरकार नीचे उतरता है, लेकिन मैं फिर नीचे नहीं उतरूंगा। ऊपर से देखूंगा उन सब लोगों को जो अभी मुझे सर झुकाकर भी नहीं देखते हैं, उन सबको जो खुद को मुझसे बड़ा समझते हैं, लेकिन मैं इन सब लोगों जैसा नहीं बनूंगा। मैं तो अचानक फिर से ब्रेक लगे थे। इस बार कुछ ज्यादा तेजी से लगे थे और सर आगे वाली सीट से टकराकर वापस खिड़की में लगा। बस मानो हवा में उड़ रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा था। लोग बात कर रहे हैं कि पुल से उतरती हुई बस बेकाबू हो गई और पुल तोड़कर नीचे आ गिरी। तेज धमाके के बाद चारों तरफ सन्नाटा हो गया है। खून से सने हुए कांच के टुकड़े सड़क पर फैले हुए हैं। कुछ शरीरों में अभी भी हरकतें हो रही हैं, बाकी शांत पड़े हैं। एक शरीर सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, सर फटा हुआ है और दिमाग बाहर निकला पड़ा है। उम्र होगी कोई 25-26 साल।
पास ही में एक बैग मिला जिसमें टीवी रेडियो रिपेयरिंग का कुछ सामान है। जेब में एक पर्स भी मिला है जिसमें एक आधार कार्ड, मेट्रो कार्ड, कुछ पैसे और चांदनी चौक की एक रिपेयरिंग की दुकान का कार्ड पड़ा है। पर्स में सबसे आगे एक मुस्कुराता हुआ फोटो भी है, शायद शादी होने वाली थी उसकी। थोड़ी ही दूर पर एक फोन भी मिला, स्क्रीन चटकी थी और लाइट जल रही थी, म्यूजिक प्लेयर ऑन था, एक गाना रिपीट मोड पर चल रहा था। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे कार्की विद्यांत की आवाज में लेखक प्रत्युष अग्निहोत्री की लिखी कहानी रुक जाना नहीं। ये है फलक की कहानियों का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक चैनल